नमस्कार दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में मूसलधार बारिश, सड़कों पर लगा जाम, लोग परेशान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी ने कारगिल दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल का नया नाम होगा बांग्ला, विधानसभा में प्रस्ताव पारित। मोदी के मंत्री उपेंद्र कुशवाहा बोले 15 साल से सीएम है नीतीश, अब छोड़ देना चाहिए कुर्सी। सीएम योगी से बोले केजरीवाल ताजमहल की देखभाल नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। उत्तराखंड के चमोली में पिकअप गहरे खड्ड में गिरी, 3 लापता 5 घायल। फेसबुक को बड़ा झटका, एक ही दिन में 20% गिरे शेयरों के दाम। पाकिस्तान में इमरान खान की तहरीक तालिबान बनी सबसे बड़ी पार्टी, बहुमत से अभी भी दूर। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा नतीजों में देरी के पीछे षड्यंत्र नहीं, तकनीकी विफलता हो सकती है वजह। अमेरिकी विदेश मंत्री ने सीनेट से कहा उत्तर कोरिया बना रहा है परमाणु सामग्री। काबुल में खुफिया एजेंसी के काफिले पर आत्मघाती हमला, 4 लोगों की मौत 5 घायल। दिल्ली में 3 बच्चियों की भूख से मौत, केजरीवाल सरकार ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।